हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन करी, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो प्रॉन, जिसे मैंने अच्छी तरह से काट के छील के रख लिया है। अब इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हम मल लेंगे। देखिए, हल्दी नमक हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से लग गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। हमारा 10 मिनट हो चुका है। हम अब मस्टर्ड ऑयल लेंगे, 5 से 6 चम्मच मस्टर्ड ऑयल है। इसमें हम धीरे धीरे करके अपना एक एक प्रॉन डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके डालना है और इसे एक तरफ का लाइट ब्राउन हो चुका है तब इसे हम टर्न करने लगेंगे। इसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ही फ्राई करना है। देखिए, ये हमारा लाइट ब्राउन हो चुका, सेम ऐसे ही ब्राउन करना है और इसे एक एक करके हम सब बाहर प्रॉन कर लिए हैं। हमारा जो वेस्ट था इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें 3 से 4 तेजपत्ता डालेंगे, थोड़ी सी चीनी, इलायची, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये सबको हम थोड़ा थोड़ा खोल के इसमें डाल देंगे और हल्का सा सॉटे करेंगे, बस लाइट ब्राउन की तरह। इसमें 2 से 3 बड़ी प्याज हैं जो स्लाइस कटी हुई है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इसमें 4 से 5 आलू काटेंगे। ये काटने का आलू का शेप मेरा ऐसा है, आप जैसा भी शेप में इसे काट के डाल सकते हैं। प्रॉन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें 4 प्याज चाहिए जिसे मैंने स्लाइस काट लिया है, 15 लहसुन के कोए, 2 इंच अदरक जिसे मैंने पतला पतला काट लिया है, गोल मिर्च कम से कम 15, ये गोटा धनिया है जिसे एक छोटा चम्मच लेना है, सौंफ है आधा छोटा चम्मच, ना पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से पेस्ट करना है। देखिए, हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब इस पेस्ट को हम कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये ऐसे फ्राई करना है हमें। 2 मिनट के बाद इसमें हम लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच और जीरा 1 छोटा चम्मच मिला लेना है। इसे हमें 5 मिनट के लिए ढक के रख लेना है। अब इसे हमें खोलना है, चेक करना है ये मसाला नीचे लग ना गया हो। इसे थोड़ा सा चला लेना है। इसे चलाने के बाद हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल देंगे, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो नहीं भी दे सकते, मैंने जस्ट कलर के लिए डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको चलाने के बाद कम से कम हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी थोड़ा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 बाउल पानी डाल देंगे क्योंकि हमें इसे आलू को भी गलाना है और मसाले को भी पकाना है। ये 15 मिनट के ढकने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसका तेल भी ऊपर आ चुका है, आलू भी ऑलमोस्ट 75% गल चुका है। इसमें हम प्रॉन ऐड कर लेंगे। प्रॉन ऐड करने के बाद हमें थोड़ा सा गर्म मसाला देना है और 1 चम्मच देसी घी देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आने लगा है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, इसका कलर ऐसा आके है। देखिए, तेल भी पूरा ऊपर आ चुका है, मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी है, ये बनके तैयार हो गया। आप इसे रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये कैसा बना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।